दोस्तों आज की क्लास होगी छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, जो कि तीसरा क्लास है। पार्ट वन और पार्ट टू क्लासेस हो चुकी है 50-50 एमसीक्यू का, ठीक है। डेली आपको क्लास कराया जा रहा है, 19 अगस्त से प्रारंभ हो चुकी है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, छात्रावास अधीक्षक, सब इंस्पेक्टर भर्ती, एडीओ, साथ ही प्यून भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। पार्ट वन और पार्ट टू का वीडियो अपलोड हो चुका है, पार्ट थ्री का वीडियो आज करेंगे, क्लास थ्री, ठीक है। ये हमारा तीसरा क्लास है जो कि 10 दिनों का क्रैश कोर्स चल रहा है। कितने दिनों का? 10 दिनों का क्रैश कोर्स चल रहा है। साथ ही जितने भी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पूछे गए एग्जाम है, क्वेश्चन में जितने भी प्रीवियस वर्ष के क्वेश्चन पेपर हैं, वहाँ से आपको सॉल्व करेंगे। छत्तीसगढ़ के लोक कला, संस्कृति, जनजाति, त्यौहार, पर्व से पूछे गए आज का टॉपिक होगा, जो कि व्यापम में कई बार पूछा गया है। तो आज का टेस्ट सीरीज रहेगा 50 नंबर का, ठीक है। 50 नंबर का 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि टेस्ट सीरीज है। जो लोग व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं, पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। और यह डेली क्लासेस रात 8 बजे डेली क्लासेस कराया जा रहा है। टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो लोग तैयारी करना चाहते हैं छात्रावास अधीक्षक की, वो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट वन और पार्ट टू का वीडियो अपलोड हो चुका है, पचास पचास नंबर का, यानी कि 10 दिनों का क्रैश कोर्स चल रहा है। यानी कि 10 × 50 करेंगे कितना हो गया, 500 हो गया। यानी कि 500 आपको टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है, 500 क्वेश्चन का। अगर आप लोग उतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो वहाँ से आपको सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आज का पहला क्लासेस है, पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में हरेली नामक पर्व निम्नलिखित में किसके द्वारा मनाया जाता है। जो हरेली नामक पर्व होता है वो किसान के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? किसान के द्वारा। और देखिए, जो हरेली है वो पहला आपको त्यौहार के रूप में माना गया है भूपेश बघेल द्वारा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि रास का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण क्या है। जो रास होता है उसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण होता है रहस, ठीक है। रहस जो है रास का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है, ठीक है। यानी कि आज का आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 50 एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। जितने भी तैयारी कर रहे हैं तो ज्वाइन कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन घंटी को सेट करके रख लीजिएगा। डेली क्लासेस करेंगे और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। जितने बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे उसी के पास सिर्फ नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, डेली क्लासेस कराया जाएगा, शाम 8 बजे की क्लास होती है, ठीक है। गणित की क्लास 5 बजे होती है, हाँ, गणित की क्लास 5 बजे होती है, और दोपहर 3 बजे करंट अफेयर की, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका, बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है। जो बस्तर का मड़ई मेला होता है, ठीक है, जल्दी बताइए, जो बस्तर का मड़ई मेला है किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दिवाली, ठीक है। दिवाली के समय, दिवाली के पर्व के बाद यह प्रारंभ होता है, बस्तर का मड़ई मेला, ठीक है। नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। डेली क्लासेस करेगा, 50 एमसीक्यू रहेगा आज की क्लास में, यानी कि टोटल आपको 100 एमसीक्यू करा चुके हैं पहला और दूसरा वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट पर जाइए, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ आपको पूरा छात्रावास अधीक्षक की, एडीओ की पूरा क्लासेस आपको मिल जाएगी। वहाँ जाके आप पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं और टिक लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, छेरछेरा किससे संबंधित है। जो छेरछेरा होता है वो किससे संबंधित है, तो ऑप्शन देखते हैं, दिवाली से बिल्कुल गलत, होली से ये भी गलत है ऑप्शन, नई फसल के काटने पर ये बिल्कुल सही है। जो छेरछेरा होता है, नई फसल के काटने पर छेरछेरा मनाया जाता है, छेरछेरा का पर्व मनाया जाता है। अब छेरछेरा होता क्या है, देखिए, बच्चे लोग होते हैं जो छेरछेरा मनाने के लिए जाते हैं, जैसे घरों घर जाते हैं ना, धान के वो धान वान मांगते हैं, वही है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पर्व में मिट्टी के बैल की पूजा की जाती है। आप सभी को पता है कि बैल की पूजा कब कब की जाती है, तो आप सभी को पता है कि ये देखिए, अब ये पोला की पोला है, ठीक है। किस पर्व में मिट्टी के बैल की पूजा की जाती है, पोला, तो हाल ही में अभी देखिए तीजा आने वाला है, ठीक है, तीजा आने वाला है अभी, ठीक, हाल ही में अभी तीजा आने वाला है पोला, ठीक है। तो यही से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, जितने भी व्यापम में पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको कराऊंगा। देखिए, राउत नाचक किस त्यौहार के आसपास मनाया जाता है। जो राउत नाचा होता है, ठीक है, जो राउत नाचा है, देखिए,
जो राउत नाचा है किस त्यौहार के आसपास मनाया जाता है, CGPSC एग्जाम में पूछा गया है। देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो व्यापम PSC में पूछा ही गया है, ठीक है। मैं सात से आठ सालों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप सभी को त्यौहार के रूप पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक। जो लोग अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। तो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का लेजा गीत, ये छत्तीसगढ़ का जो लेजा गीत है, ठीक है, देखिए यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का लेजा गीत है वो कौन सा है, तो बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों का लोकगीत होता है, ठीक है। जो बस्तर के होता है आदिवासी क्षेत्र में बहुल लोगों का क्षेत्र का लोकगीत होता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ में कहाँ दशहरा विख्यात है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कहाँ दशहरा विख्यात है, तो छत्तीसगढ़ में बस्तर का दशहरा किसे कहते हैं, तो यही है बस्तर का जो दशहरा छत्तीसगढ़ में विख्यात है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ का मूलतः पर्व नहीं है, तो छत्तीसगढ़ का मूलतः पर्व नहीं है तो ये आपका हो जाएगा ओणम, ठीक है, ओणम, क्योंकि हरेली एक छत्तीसगढ़ का पर्व है, पोला भी है, छेरछेरा भी है। देखिए पोला की बात करें तो अभी आने वाला है पोला, ठीक है। ये आपका तीसरा वीडियो है, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो ये जो है डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे भी लिंक दिया गया है, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट वन पार्ट टू वीडियो करा चुके हैं ना, ये तीसरा है, लेकिन 10 दिनों तक आपको कराया जाएगा सामान्य ज्ञान की, ठीक है। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की 10 दिनों के लिए कराया जाएगा क्रैश कोर्स के साथ, ठीक। चलिए इसके बाद छेरछेरा पर्व किस दिन मनाया जाता है, देखिए जो छेरछेरा पर्व होता है कब मनाया जाता है, तो छेरछेरा पर्व पौष माह के पूर्णिमा में मनाया जाता है, पौष माह के पूर्णिमा में मनाया जाता है छेरछेरा पर्व, ठीक है। इसके बाद हरेली नामक पर्व किस दिन मनाया जाता है, देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ त्यौहार से है, लोक नृत्य से है, नाटक से है, जनजाति से है, वहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो हरेली नामक पर्व किस दिन मनाया जाता है, जो हरेली होता है कब मनाया जाता है, जल्दी बताइए हरेली कब मनाया जाता है, ये ऑप्शन बी होगा ना, हरेली कब मनाया जा रहा है, श्रावण अमावस्या के, श्रावण अमावस्या आएगा, ठीक है। गेंडी का महत्व किस त्यौहार के अवसर पर होता है, गेंडी का जो महत्व होता है, गेंडी मतलब गेड़ी, ठीक है, वो कब होता है, हरेली, ठीक है, जो हाल ही में हरेली जो त्यौहार आया था, पहला त्यौहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ के, प्रथम त्यौहार किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार हरेली है, ठीक है, नोट करती हुई चलिएगा, हरेली होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार कौन सा है, हरेली, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, हरेली है। हरी तालिका यानी कि तीजा, ठीक है, तीजा यानी कि त्यौहार किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये है स्त्री के लिए, कौन बोल रहा है, पुरुष भाई, देखिए पुरुष नहीं होगा ना, अरे कुछ भी कैसे भी कमेंट कर देते हैं, देखिए हर तालिका का मतलब होता है तीजा पोला, ठीक है। तीजा त्यौहार मनाने आते हैं ना जब नया नया, देखिए तीजा महिलाओं के लिए होता है जो महत्वपूर्ण होता है, उपवास होते हैं ना वहाँ कुछ भी बोल देते हैं कई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि के लिए कौन सा त्यौहार उपयुक्त माना जाता है, जो जादू टोना करते हैं वो हरेली है, ठीक है, ये उपयुक्त माना जाता है उन लोगों के लिए, भाई अब ऐसा कहना है उन लोगों का, पता नहीं क्या है, हरेली आंसर लिया है। इसके बाद देखेंगे कि 15 क्वेश्चन है, कुश्ती का खेल किस विशेष त्यौहार के अवसर पर खेलने की परंपरा है, तो जो कुश्ती का खेल होता है वो नाग पंचमी के लिए होता है, ठीक है, कुश्ती का जो परंपरा होता है नाग पंचमी के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा कितने दिनों तक चलता है, बस्तर का जो प्रसिद्ध मेला है, प्रसिद्ध दशहरा कितने दिनों तक चलता है, तो ये आपका आपका आंसर हो जाएगा 75 दिनों तक, ठीक है, 75 दिनों तक आपका बस्तर का दशहरा चलता है, कितने दिनों तक, 75 दिनों तक, इसको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे दिवाली के पश्चात बस्तर में मनाया जाने वाले किस त्यौहार को पृथ्वी की पूजा माटी की जाती है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर माटी तिहार होगा, ठीक है, इसका आंसर माटी तिहार होगा, ठीक है, माटी तिहार हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे बस्तर के डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है, CGPSC 2005 में पूछा गया, देखिए CGPSC कब पूछा गया, 2005 में CGPSC 2005 में पूछा गया, बस्तर में डंडारी नृत्य किस कम जीते हैं, बस्तर में डंडारी नृत्य होता है वो होली के अवसर पर किया जाता है, कब किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। कौन सा पर्व पूष स्त्री यानी कि पूष पुन्नी के नाम पर भी किया जाता है, ठीक है, कौन सा कहते हैं, पूष पुन्नी के नाम से किया जाता है, तो इसका आपका छेरछेरा हो जाएगा, कौन सा छेरछेरा, ठीक,
छेड़छाड़ हो जाएगा। वेदमती और कपाली किस लोक नाट्य की शाखा है? देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ है ना, जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सब व्यापम से पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो वेदमती है जो कपालिक और लोक नाट्य की शाखा से है, तो ये आपका हो जाएगा पंडवानी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा पंडवानी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रृंगी ऋषि का मेला लगता है, जो श्रृंगी ऋषि का मेला लगता है कहाँ लगता है? श्रृंगी ऋषि का मेला कब लगता है और कहाँ लगता है जल्दी बताइए। श्रृंगी ऋषि का मेला धमतरी में लगता है और कब लगता है आप कमेंट में बताइए। कब लगता है ये, कब लगता है कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी के लिए क्वेश्चन है श्रृंगी ऋषि का मेला कहाँ लगता है, ये धमतरी में आप सभी को बता दें, और कब लगता है ये आप कमेंट में जरूर बताएं। राज्य की पहली फिल्म कही देवे संदेश के निर्माता कौन है? तो राज्य की पहली फिल्म सही देवे कही देवे ना कही देवे की फिल्म के नायक कौन है? मनु नायक। कौन है? मनु नायक। रायपुर दूरदर्शन की पहली टेलीफिल्म कौन सी थी? रायपुर के पहली कौन सी है फिल्म जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा परबुधिया। रायपुर दूरदर्शन की पहली फिल्म है परबुधिया टेलीफिल्म, ठीक है। नोट कीजिए क्या है? परबुधिया, ठीक है, परबुधिया ये आपका हो जाएगा। देखिए माओ पाटा यानी कि मुड़िया जनजाति बस्तर की है, तो क्या आएगा इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? देखिए जो माओ पाटा होता है शिकार देवी, ठीक है, शिकार नाटिका, ठीक है, वही आ जाएगा। माओ पाटा होता है जितने भी है सब आएगा शिकार में। छत्तीसगढ़ी आदिवासी का नृत्य जो कि गीत भारत के महोत्सव के रूप में प्रदर्शित हो चुका है, तो कौन सा नृत्य है? तो यह आपका होगा मांझी गीत, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ी आदिवासियों का नृत्य है वो भारत का महोत्सव है, ठीक है। सूरजभाई खांडे के अलावा प्रसिद्ध भरती गायिका है, जो सूरजभाई खांडे के अलावा कौन है प्रसिद्ध भरथरी गायिका जल्दी बताइए। देखिए रेखा जल छत्री है, रेखा जल छत्री जो सूरजभाई खांडे के अलावा प्रसिद्ध भरथरी गायिका है, ठीक है। नोट कीजिएगा कौन है? रेखा जल छत्री। मुड़िया आदिवासियों द्वारा अपने देवता यानी कि लिंगादेव को प्रसन्न करने हेतु किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ककसार नृत्य, ठीक है। ककसार नृत्य जो मुड़िया आदिवासियों द्वारा अपने देवता यानी कि लिंगादेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है, प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। देखिए जो सुवा गीत है कब मनाया जाता है चलिए बताइए कमेंट में। सुवा गीत देखिए 30 से 40 लोगों का आंसर आ रहा है, ठीक है, 30 से 40 लोगों का आंसर आ रहा है सुवा गीत, ठीक है। सुवा गीत कब मनाया जाता है जल्दी बताइए। 30 से 40 लोगों का आंसर आ चुका है। सुवा गीत कब मनाया जाता है? दिवाली के समय मनाया जाता है, ठीक, गुड। चलिए सर्वप्रथम फ्रांस में आयोजित भारत महोत्सव यानी कि 1984 में छत्तीसगढ़ की किस पंडवानी गायिका को सम्मानित किया गया था? किस पंडवानी को गाया था? तीजन बाई होगा, ठीक है, कौन सा होगा? तीजन बाई, ठीक, नोट कीजिएगा इसको, तीजन बाई। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चक्रधर समारोह आयोजित होता है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चक्रधर समारोह आयोजित होता था, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका रायगढ़, रायगढ़ में चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है, ठीक है, रायगढ़ आएगा इसका आंसर, बहुत लोगों का गलत आया है। निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है? देखिए छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है कौन सा जल्दी बताइए। छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है छाऊ नृत्य, बाकी तो सब नृत्य है ना, कर्मा नृत्य, गेंडी नृत्य, पंथी नृत्य, ये सब छत्तीसगढ़ का नृत्य है। कौन बोल रहा है नृत्य नहीं है करके? ये गोलू गोलू कौन है? निम्न में से कौन सा मूलतः छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है? देखिए अब गणित क्लास को क्या समय है आपका? देखिए अभी कौन सा क्लास चल रहा है? सामान्य ज्ञान की क्लास चल रहा है, ठीक है, सामान्य ज्ञान की क्लास चल रहा है, बोल रहे हो गणित की क्लास, तो मैं गणित की क्लास लूँ या सामान्य ज्ञान की क्लास लूँ? एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? जब अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है 50 MCQ का, डेली क्लास कोर्स चल रहा है आपका, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है गणित की क्लास पूछ रहा है? पहले इसको तो सॉल्व कर लो फिर गणित की क्लास पूछना, फिर गणित बनता नहीं है बोलते हो फिर भी। निम्न से कौन सा मूलतः छत्तीसगढ़ का नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का नृत्य कौन सा है जल्दी बताइए। छत्तीसगढ़ का नृत्य है गौर नृत्य, ठीक है, गौर नृत्य। देखिए निम्न में से किसे डिडोंग नृत्य कहा जाता है? डिडोंग नृत्य का मतलब होता है गेंडी नृत्य, ठीक है, गेंडी नृत्य, ठीक है, डिडोंग का मतलब होता है गेंडी नृत्य। कंवर जनजाति किस नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्ध है? जो कंवर जनजाति जल्दी बताइए, कंवर जनजाति है किसके लिए प्रसिद्ध है? कंवर जनजाति हो किसके लिए प्रसिद्ध है जल्दी बताइए।
ये जो कंवर जनजाति है, ठीक है, जो कंवर जनजाति है सोहर गीत के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोहर गीत के लिए। सोहर गीत क्या होता है, चलिए बताइए आप। ये सोहर गीत होता है क्या होता है, कमेंट में ज़रूर बताएं, इसका आंसर आप ज़रूर दें, ठीक है। सोहर गीत होता क्या है। एक और बात है कि रीलो गीत क्या है, सोहर गीत रीलो गीत ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में बताएं, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ठीक। बिल्मा नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? बिल्मा का मतलब होता है क्या होता है, बिल्मा का नृत्य किस जनजाति से प्रसिद्ध? बैगा लोग करते हैं ना बिल्मा नृत्य, ठीक है, डंडारी नृत्य ये सब होता है, बैगा जनजाति द्वारा होता है बिल्मा नृत्य, ठीक है। बिल्मा नृत्य किसके जाते हैं? बिल्मा बैगा नृत्य ये सब होता है, ठीक है, बैगा जनजाति में। छत्तीसगढ़ी लोक बैल के बैले का कहा जाता है, ये क्या चीज़ है रे क्वेश्चन में? छत्तीसगढ़ी लोक बैले कहा जाता है, बैले नहीं बैल कहा जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पंडवानी, पंडवानी आएगा, ठीक है, बैल है, ठीक है, अच्छा बैल है वो। फसल काटने के पश्चात छत्तीसगढ़ के अधिकांश जनजातियों में नृत्य किया जाता है, तो कौन सा नृत्य किया जाता है, चलिए बताइए। फसल काटने के बाद जो फसल काटते हैं ना, एक मिनट, जो फसल काटते हैं, एक मिनट ना, जो फसल काटते हैं, ठीक है, फसल काटने के पश्चात छत्तीसगढ़ के अधिकांश जनजातियों में नृत्य किया जाता है, तो वो कौन सा नृत्य है? कर्मा नृत्य है, ठीक है। कौन सा नृत्य है? कर्मा नृत्य, ठीक है, नोट करते चलिएगा, कौन सा नृत्य है? कर्मा। अरे भाई देखो, ये कर्मा नृत्य होता है जो फसल काटने के पश्चात छत्तीसगढ़ में अधिकांश लोग नृत्य करते हैं, ठीक है। उसमें पूछने वाली क्या बात है भाई? छत्तीसगढ़ी में दहकी गीत किस अवसर पर मनाया जाता है? देखिए, जितने भी मैं आप सभी को क्वेश्चन करा रहा हूँ, नृत्य से है, लोक नाट्य से है, जनजाति से है, वह सब तो आपको करा रहा हूँ, और क्या चाहिए आपको? 50 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसको याद कर लो, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ी में दहकी गीत अवसर पर गाया जाता है, तो वो होली है, ठीक है, कौन सा है? होली है। विमलेंदु मुखर्जी की ख्याति किस क्षेत्र में? विमलेंदु मुखर्जी की ख्याति किस क्षेत्र में है? तो इसका आंसर होगा सितार वादन, ठीक है, कौन सा होगा? सितार वादन, ठीक, नोट कीजिएगा, सितार वादन। इसके बाद है तीजन बाई के पंडवानी गुरु कौन थे? तीजन बाई के पंडवानी गुरु आप सभी को पता है, ये क्या बोलते हैं, बिजलाल पारधी जी हैं, बिजलाल पारधी, ठीक है, जो कि पंडवानी गुरु हैं, ठीक। इसके बाद छत्तीसगढ़ में तंत्र साधना से संबंधित लोकगीत, तंत्र साधना से ये होता है ना बैना गीत, ठीक है, बैना गीत है, इसका आंसर आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में भरथरी के प्रसिद्ध गायिका निम्न में से कौन है? प्रसिद्ध भरथरी गायिका आप सभी को पता है, प्रसिद्ध गायिका कौन है, चलिए बताइए। बिल्कुल सूरज भाई खांडे आ रहा है सभी का, सभी का आ रहा है सूरज भाई खांडे, गुड, वेरी गुड, सभी लोग को आया है। बाली बरब नामक पर्व किस देवता को समर्पित है? जो बाली बरब होता है वो किसे समर्पित है? ये आपका होगा भीमा देव को, जो कि बाली बरब के नाम से समर्पित है, ठीक। संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य में मिलती है? तो कौन सा है इसका? भरथरी है जी, देखिए भरथरी, संन्यास और श्रृंगार गीत। छत्तीसगढ़ में हकला का मेला किस जिले में मनाया जाता है? जो हकला होता है ना वो मेला लगता है, वो किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सरगुजा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का हकला का मेला, ये जो हकला मेला है ना वो सरगुजा में लगता है, वहाँ मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गीतकार लक्ष्मण मस्तूरिया किस जिले के सुपुत्र हैं? जो लक्ष्मण मस्तूरिया किसके पुत्र हैं, तो जल्दी बताइए। ये देखिए किस जिले का सुपुत्र है, तो बिलासपुर, ठीक है, जो बिलासपुर है लक्ष्मण मस्तूरिया वहाँ के जिले के निवासी हैं, ठीक है, वहाँ के जिले के निवासी हैं। नारायणपुर के किस बालक ने विदेशी फिल्मों में कार्य किया है? जो नारायणपुर का बालक है वो किस फिल्म में काम किया है? जो चंदू नामक जो लड़का है वो विदेशी फिल्म में कार्य किया है, कार्य का मतलब काम होता है, ठीक है। तीजन बाई को किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? देखिए तीजन बाई को किस क्षेत्र मिली है, जल्दी बताइए। तीजन बाई को आप सभी को पता है, तीजन बाई पंडवानी के लिए है, CGPSC में पूछा गया 2015 में, ठीक। निम्न में से कौन सा पंडवानी गायन से संबंधित है? देखिए आप पंडवानी गायन से अभी मैं आपको बताया हूँ, पंडवानी गायन से संबंधित है कौन है, इसका आंसर ऋतु वर्मा। देखिए अब शैली कितने प्रकार की होती है? शैली दो प्रकार की होती है, ठीक है, अब इसको नोट कीजिएगा। शैली कितने प्रकार की होती है? तो शैली होती है आपका दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? तो पहला है आपका वेदमती शैली, ठीक है, वेदमती शैली, ठीक, इसको नोट कीजिएगा, वेदमती शैली। और दूसरा होता है आपका कपालिक शैली, कौन सा होता है? कपाली शैली।
देखिए शैली दो प्रकार का होता है, वेदमती शैली और कपालिक शैली। तो वेदमती शैली के अंतर्गत कौन कौन सा आता है तो आप नोट कीजिएगा, वेदमती शैली और कपालिक शैली में, ठीक है, ऋतु वर्मा, झाड़ू राम देवांगन, रेवाराम साहू और ऋतु वर्मा, ठीक है, कौन कौन से चार लोग हैं, कौन कौन से चार लोग हैं उसको नोट कीजिएगा, 2, 3 और 4। पहला रेवाराम, ठीक, दूसरा है झाड़ू राम देवांगन, नोट कीजिएगा, चलिए नोट कीजिए। वेदवती में कौन कौन है, देखिए वेदवती में पहला हो जाएगा झाड़ू राम देवांगन, कौन है, झाड़ू राम देवांगन, दूसरा कौन है, रेवा राम साहू, ठीक है, झाड़ू रेवा ऐसा याद करते जाइए, ठीक है, रेवा राम साहू, तीसरा कौन है, ऋतु वर्मा, कौन है, ऋतु वर्मा, ठीक, चौथा है आपका पूना राम निषाद, पूना राम निषाद, ठीक है, यहाँ तक कर लिए पूना राम निषाद, ठीक है, ये वेदमती के लिए, ये चारों जो है वेदमती के लिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कपालिक शैली के लिए, कपालिक शैली के लिए कौन है, तीन लोग हैं, तीजनबाई, ठीक, शांतिबाई और उषाबाई, ठीक है, उषाबाई, ये इसको नोट कर लीजिएगा, कपालिक शैली और वेदमती शैली से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। भरथरी गीत, हाँ बिल्कुल, ढोला मारू चंदा वाला है ना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रागी नामक कलाकार छत्तीसगढ़ की किस कला में होता है, जो रागी होता है, ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, ठीक है, आज का टेस्ट आपका 50 क्वेश्चन का था, ये टेस्ट सीरीज यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। तो रागी नामक कलाकार छत्तीसगढ़ किस कला में होता है, जो रागी नामक कलाकार है वो छत्तीसगढ़ के किस में होता है, तो चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा पंडवानी, ठीक है, पंडवानी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ये, जो कि आपके लिए क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, प्रसिद्ध कलाकार रेवाराम का संबंध किससे है, जो रेवा अभी मैं आप सभी को बताया था रेवाराम का संबंध किससे है, हाँ इसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं, आप सभी के लिए होमवर्क है, ठीक है, आप सभी के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि प्रसिद्ध कलाकार रेवाराम का संबंध किससे है, ठीक है। जितने लोग जुड़ चुके हैं वो कमेंट करें इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं या अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को क्या करोगे दोस्तों, सब्सक्राइब करके रख लो, साथ ही बेल आइकन की जो घंटी होता है उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं या वीडियो को लाइक किए हैं उसी को कल से नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, ठीक है। 10 दिनों का क्रैश कोर्स रहेगा, आप सभी को फ्री करा रहा हूँ ना भाई, पैसा वैसे तो नहीं ले रहा हूँ मैं, फ्री कोर्स है, 10 दिन के लिए आप सभी को करा रहा हूँ, 500 क्वेश्चन कराऊंगा, अब जितने भी 500 क्वेश्चन कराऊंगा उसको रट लीजिएगा, ठीक है, जितने भी 500 क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको रट लें, ठीक है।